लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग, हाउ इम्पॉर्टेंट लर्निंग इज इन आवर लाइफ। यू नो, हम लोग लर्निंग को सिर्फ एजुकेशन से तोलते हैं कि हमने स्कूलिंग कर ली, हमने कॉलेज कर ली, हमने MBA कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, बस हमारी लर्निंग खत्म हो गई। देखिए, लर्निंग का मतलब होता है ज़िंदगी में चलते जाना, और जहाँ से जो कुछ भी सीखना है उसको सीख लेना, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनलर्निंग भी बड़ी ज़रूरी है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, जिनकी अपनी कोई उपज नहीं होती, लेकिन हम उसके साथ अटक जाते हैं और उसको अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ड्रॉप दैट बिलीफ सिस्टम। वो कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करके होगा। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर गाइडेंस, स्टार्ट लुकिंग फॉर डायरेक्शन। इफ़ यू कैन गेट दैट डायरेक्शन, गेट दैट गाइडेंस, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। इसीलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है, कि मतलब कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा किसके पैर पहले छूं, फिर समझ में आता है कि गुरु के ही पैर पहले छूते हैं, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के बारे में बताया है। तो हमारे यहाँ गुरु की बहुत ज़्यादा महत्वता है हमारे पुराने वेदों में, शास्त्रों में। तो इफ़ यू कैन गेट सम काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, और इफ़ यू कैन फाइंड अ मेंटोर, और यू कैन फाइंड समबडी यू कैन गिव यू डायरेक्शन, प्लीज़ होल्ड ऑन टू हिम। चाहे वो आपका बड़ा भाई है, आपकी बड़ी बहन है, माँ बाप हैं, बाहर से कोई है, कोई कोच है, कोई टीचर है, कोई मेंटर है। यू नो, आई हैव दिस हैबिट ऑफ स्टेइंग क्लोज टू माई टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं या मेरे सिंगिंग के टीचर हैं। मैं हमेशा उनके इर्द गिर्द ही रहता हूँ, ताकि कभी भी ज़िंदगी में फंस जाऊँ तो उनके साथ थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है, तो ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। जिस इंसान को ज़िंदगी की थोड़ी बेहतर समझ है, जो इंसान उम्र में आपसे बड़ा है, जिसने ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल किया, अगर वो आपको बहुत समझाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो दिमाग में मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी, नई चीज़ निकलेगी, आपका नया अस्तित्व निकलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गुरु को अपने पास रखें, उसका हाथ पकड़ के रहें, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ अनलर्न करें, कुछ ना कुछ लर्न करें, ताकि आप ज़िंदगी में बहुत सही दिशा में, ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ सकें। वी शेयर, वी ग्रो।